हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता पटेल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजे पटेल इंस्टीट्यूट। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी 1.7, जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट देगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिया है एक ग्लास और उसके अंदर दो ग्रेफाइट के रॉड है। दोनों ग्रेफाइट के रॉड को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और ग्लास के अंदर वाटर ऐड किया है। वाटर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ग्रेफाइट के रॉड है उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब को इन्वर्ट करेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, अब हम उसको इन्वर्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो बैटरी है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। थोड़ी देर हम ये जो एपरेटस है उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर आप बबल्स फॉर्म होते हुए देख रहे हो और ये जो बबल्स है वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस। और ये जो बबल्स है वो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी है उसको डिस्प्लेस करेंगे। ये जो कैथोड टर्मिनल है वहाँ पर, ये जो कैथोड टर्मिनल है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा और एनोड टर्मिनल पर ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस से डबल होगी। अब हम कैथोड पर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को चेक करेंगे। यहाँ पर आपने जो पॉप साउंड सुना वो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को वेरीफाई करता है। इस एक्सपेरिमेंट का हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि जो वाटर है उसका डिकम्पोजिशन होकर हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिले। एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस से डबल होगा। ऐसे और भी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।